अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज क्लिनिक वर्क। उम्मीद करता हूँ सभी हैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिवर साइरोसिस के हवाले से है, जिगर के साइरोसिस के हवाले से है। इसके अंदर जिगर की साइरोसिस या लिवर साइरोसिस किसे कहते हैं और इसकी काजिज क्या है, इसके अलावा कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए उसके हवाले से बात करेंगे, और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, उसके अलावा डिफरेंट अद्वियात, डिफरेंट पैथी की अद्वियात, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, लीवर साइरोसिस एक अनरिवर्सिबल कंडीशन जिगर की होती है, यानी कि एक दफा अगर लीवर साइरोसिस हो जाए तो आप अद्वियात इस्तेमाल भी करें तो जिगर दोबारा आपका ठीक नहीं हो सकता, वो उसी तरह साइरोसिस के अंदर मुब्तला रहेगा। दोस्तों, लीवर साइरोसिस में जो लीवर के सेल्स होते हैं जिन्हें पैरेन्काइमल सेल्स कहते हैं वो मुतासर होते हैं। इसके अलावा लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होती है, उसके साथ साथ इसमें तमाम जिगर भी मुतासर हो सकता है या जिगर का कोई लोब भी मुतासर हो सकता है। अगर दोस्तों लिवर साइरोसिस की हम मेनली काजिज की बात करें तो उसमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, ये सबसे पहली मेन लिवर साइरोसिस की काज है। दोस्तों, जो लोग शराब नोशी ज्यादा करते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं या ड्रग्स का यूज करते हैं, कोई नशावर चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें से जो अल्कोहल है, शराब है, उसको पहले नंबर पे रखा जाता है। जो लोग शराब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से लीवर साइरोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये सेकंड पे आता है, इसकी वजह से भी लीवर साइरोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, तीसरी काज जो आती है उसमें ड्रग्स आ जाती हैं, खास तौर पर मेथोट्रेक्सेट ड्रग आ जाती है, उसके अलावा एसिटामिनोफेन, इस तरह की ड्रग्स आ जाती हैं। इनके इस्तेमाल से एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं, इनके इस्तेमाल से जो है मरीज को लीवर साइरोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी बेलरी साइरोसिस, इसके अलावा सेकेंडरी बेलरी साइरोसिस, उसके अलावा जो लोग वरासती तौर पर किसी मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर मुब्तला हो तो उनको भी लीवर साइरोसिस हो सकता है, जैसे कि विल्सन डिजीज है। इसके अलावा हेमियोक्रोमाटोसिस एक ऐसी डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, जिसकी वजह से लीवर साइरोसिस होता है। उसके अलावा जो अल्फा प्रोटीन होती है उसकी ज्यादती की वजह से या कमी की वजह से भी लीवर साइरोसिस हो सकता है। दोस्तों, लीवर अगर ठीक हो, जिगर अगर ठीक हो तो उसकी एक खास सरफेस होती है, लेकिन जब लीवर साइरोसिस हो जाता है तो उसके अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो साहत होती है, उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। उसके कलरिंग में तब्दीली आ जाती है, उसकी शेप में तब्दीली आ जाती है, मुख्तलिफ जगहों पे उबार आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको आसानी से मिसाल दूं, किसी एक डस्टर को लिया जाए, पुराने वक्तों में स्कूल के अंदर आपको पता था ब्लैक बोर्ड होते थे और व्हाइट चाक इस्तेमाल किया जाता था, और उसको जब इस्तेमाल किया जाता था तो उसको साफ करने के लिए डस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, या आजकल भी प्लास्टर के दौरान डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है घर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो। अगर आप बहुत ताजा डस्टर लेके आए और उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको पानी के अंदर भिगो के निचोड़े,
तो उस तरह की लीवर की एक साहत बन जाती है। पहले इस्तेमाल करने से जो टेस्टर की हालत होती है इस तरह स्मूथ शेप एक लीवर की होती है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद जब उसको पानी के अंदर हम साफ करने के लिए भगोते हैं और बाद में निचोड़ते हैं तो लीवर की इस तरह की साहत बन जाती है। दोस्तों इसके लिए जो टेस्ट है, सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, इसके अलावा अल्फा प्रोटीन का टेस्ट करवाया जाता है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड अब्डामन करवाई जाती है, इसके अलावा लीवर बायोप्सी करवाई जाती है, उसके साथ साथ सीटी स्कैन अब्डामन करवाया जा सकता है। ये मेनली टेस्ट हैं जो लीवर साइरोसिस के अंदर हम करवाते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी, इसके अलावा हेपेटाइटिस ए ई डी, इनके भी स्क्रीनिंग या लाइजर टेस्ट करवाए जा सकते हैं, और बी सी का जो है उसका बकायदा तौर पर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टेस्ट भी करवाया जा सकता है, ताकि क्रॉनिक अगर हेपेटाइटिस की वजह से लीवर साइरोसिस हुआ हो, बी की वजह से हुआ हो या सी की वजह से हुआ हो तो उसको देखा जा सके। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से बात करेंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो।